दोस्तों मॉड्यूलर किचन बनाने जा रहे हो तो डायमेंशन तो जरूर पता आपको होनी चाहिए, नहीं तो धोखाधड़ी आपके साथ भी हो सकती है कि साइज कुछ और रख दिया और बाद में वो चीजें मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है तो खर्चा और ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि काउंटर की हाइट कितनी रखनी है, चिमनी की हाइट कितनी रखनी है, जो आपके वार्डरोब रहेंगे उनकी हाइट, जो पार्टीशन रहेगी उनकी हाइट, डेप्थ वगैरह सब चीजें आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, थ्योरेटिकल भी दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। देखो थोड़ा ड्रॉइंग को समझना, ये आपको मैं प्रैक्टिकली भी साइड पे लेके दिखाऊंगा, किचन में जब जाऊंगा टेप लेके आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले थ्योरेटिकल देख लीजिए। ये हमारा नीचे देखो, हमारी एल शेप की भी रहती है, यू शेप की भी रहती है, आपका आइलैंड टाइप भी रहेगी, एक टाइप रहेगी, इधर आपके सिंक वगैरह आ जाएगी, मतलब काफी टाइप की आती है। आपका डिपेंड होता है किस टाइप की आपकी किचन है। मोस्टली 6x8, 8x8 और 10x8 ये रहेगा तो सही है, कहीं की लंबी किचन रहती है ऐसे लंबी किचन रहेगी और यहाँ पे एल शेप बन जाएगी आपकी, यहाँ ऐसे एल शेप। तो कोई भी वो टाइप का कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ हाइट्स जो होती हैं वो स्टैंडर्ड हमें रखनी पड़ती है, नहीं तो दिक्कत काफी ज्यादा आ जाती है। ये नीचे हमारा मार्बल हो गया, तो यहां से हमने सबसे पहले क्या किया जाता है, एक काउंटर, एक वो बनाया जाता है पूरा काउंटर सा 3 इंच का। नीचे आपका प्लेटफॉर्म रहेगा, बॉटम का प्लेटफॉर्म बनेगा, वो आप 2 से 3 इंच का रख सकते हो उसकी हाइट, 2 से 3 इंच का, कि फ्यूचर में अगर यहां आप पोचा शोचा मार रहे हो, पानी शानी कर रहे हो, तो जो आपकी वार्डरोब बनी है लकड़ी लगी है उसको पानी नहीं लगे, तो आपका नीचे थोड़ा गैप बचा रहेगा। ठीक है, इतना हो गया। फिर हमारा आता है काउंटर, जैसे आप साइड पे वीडियो भी देख रहे हो, वीडियो में चला रहा हूं साथ में, तो यहां जो उसकी हाइट आपको रखनी है वो 30 से 36 इंच रखनी होती है। ये डिपेंड करता है हर जगह लोकेशन पे हिसाब से भी करते हैं, क्योंकि लोगों की हाइट ऊपर नीचे होती है, कहीं की ज्यादा है कहीं कम है, तो उस हिसाब से भी काउंटर रखा जाता है, लेकिन मोस्टली 30 से 36 इंच आपका रखा जाएगा अंदर अंदर। मतलब ये जो हाइट रहेगी यहां से यहां 30 से 36 इंच आप रख सकते हो। ठीक है, ग्रेनाइट को मैं छोड़ देता हूं, 30 से 36 इंच इसमें से कोई भी चूज कर लीजिए, अपनी हाइट के हिसाब से देख लीजिए। आपका जो मिस्त्री रहेगा, कॉन्ट्रैक्टर रहेगा, वो भी आपको बता देगा कि आपको 32 इंच की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपकी हाइट इतनी है, जो भी है, तो यहां तक आपको क्लियर करना है। ठीक है, ये हो गई 36। फिर हमारा जो काउंटर आता है, जैसे आप वीडियो सामने देख रहे हो, वीडियो क्यों चला रहा हूं कि आपको आइडिया लग जाए, क्योंकि ड्रॉइंग मेरी थोड़ी सेक्शन दिखाई है तो आप समझ पाओगे नहीं। तो ये जो काउंटर रहता है जहां पे हमारी गैस सब कुछ आने वाला है, वहां पे आपको 22 से 25 इंच आपको रखना है। मतलब 2 फीट रखोगे तो चलेगा, 2 फीट आपका ये रहेगा, अगर मतलब 24 इंच आपका रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 25 इंच से ज्यादा रखोगे तो काफी दिक्कत हो जाएगी। यहां आप खड़े रहोगे और यहां पे जो चीज पड़ी होगी उसको लेने में काफी ज्यादा दिक्कत आपको हो सकती है, तो आपको 22 से 25 इंच पकड़ के चलना है। फिर आती है हमारी वॉल, ये दीवार स्टार्ट होगी, और ऊपर हमारे ये वार्डरोब। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म से आपको वार्डरोब जो रखने हैं, मतलब आपसे यहां से आपके वार्डरोब शुरू हो जाएंगे ऊपर, वो आपको रखने हैं यहां इधर से 24 इंच हाइट रख दीजिए। 24 इंच बोर्ड होती है, मतलब 2 फुट की टाइल भी आती है, 2x4 की टाइल, सामने आप जो देख रहे हो वो 2x4 की टाइल है। 2x4 की टाइल नहीं लगाते हो तो दो फिट या 24 इंच आपको रखना है, ये जगह आपको 2 फिट या 24 इंच रखनी है। क्लियर। फिर हम बढ़ते हैं ऊपर वार्डरोब, ऊपर आपको जो वार्डरोब के नीचे जो बॉटम रहता है वो बाहर कितना निकालना है, ये बाहर कितना निकलेगा आपका, वो बाहर रहेगा आपका 12 इंच रखिए, 1 फिट रखिए, 1 फिट से ज्यादा जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो आप अंदर मटेरियल रखोगे एक डब्बा या दो डब्बे आ जाएंगे आपके, तो बहुत है, आपको लेने में भी इजी होगा, आपने वार्डरोब खोला और यहां से दोनों डब्बे पकड़ सकते हो। और इसकी जो ऊपर हाइट होती है, मतलब वार्डरोब आप कितना रखना चाहते हो वो आप पे डिपेंड होता है, क्योंकि कुछ एक वार्डरोब के बाद ना आप नीचे से सामान ऊपर नहीं ले सकते, आपको नीचे स्टेयर या टेबल यूज करना पड़ सकता है, तो ऊपर आप पूरी छत तक भी बना सकते हो। कुछ लोग करते हैं कि पूरी पैक कर देते हैं किचन को, वो भी कर सकते हो, आप एक पूरे एरिया में एक ही घुमा सकते हो वार्डरोब, तो वो आप पे डिपेंड है। तो ये चीजें, ये डायमेंशन जो होती है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अभी बढ़ते हैं हम चिमनी की डायमेंशन। ये हमारा प्लेटफॉर्म है, मतलब ये वाला प्लेटफॉर्म बोल रहा हूं, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है, तो चिमनी हमारी कुछ इधर लगी होगी, ये इधर ऐसे, ठीक है, ये चिमनी रहेगी। इसको मैं साइड पे लेके मैं आपको दिखाने वाला हूं, इधर आप समझ लो, जो वहां पे मैं पूरी टेप से आपको बताऊंगा। ये रहेगी हमारी, ये आपकी जो रहती है 70 से 75 सेंटीमीटर रहती है, बाकी चिमनी की कैपेसिटी पे भी डिपेंड होती है कि उसकी सक्शन पावर कितनी है, सक्शन पावर होती है, और जब चिमनी लेने आपको जाना है वो मैं अलग वीडियो लाऊंगा, उसमें भी देखना होता है कि कितना क्यूबिक वो धुआं खींचती है, वो सब चीजें देखनी होती है।
तो प्लेटफॉर्म से आपको रखनी है 30 से 32 इंच आपको इसकी हाइट रखनी है कि आपका जो चूल्हा आएगा गैस आएगी वो भी आपकी 3 इंच पकड़ के चलिए 3 इंच रहती है तो वो यहाँ रहेगी। यहाँ से जो भी आप बर्न करोगे उस चिमनी अच्छे से सक कर जाए 30 से 32 इंच या 70 से 75 सेंटीमीटर आप रख सकते हो। ये डायमेंशन, ये बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन होती है, इनको इसी वे से आपको चलना है। फिर दूसरी डायमेंशन आपको करनी होती है पार्टीशन वॉल में। जैसे आप सामने वीडियो भी देख रहे हो, ये हमारी काउंटर है ना, ये हमारा काउंटर बनेगा और नीचे हमारी पार्टीशन रहती है। ये पार्टीशन, इसके बीच का कितना डिस्टेंस रखना है, ये इसके बीच का कितना डिस्टेंस रखना है, इसके बीच का कितना डिस्टेंस रखना है और प्रॉपर कैसे देना है, ये सब चीजें तो ये कौन बताता है हमें। एक तो आप ये डिजाइन करवा सकते हो कोई भी सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट से। तो ये आपको जो रखना है, मैं अगर मैं मोस्टली स्टैंडर्ड साइज बताऊं जो बास्केट मार्केट में अवेलेबल होती है, जो आपको रखना है, आप 15 इंच रख सकते हो, 17 इंच रख सकते हो, 19 इंच रख सकते हो, 21 रख सकते हो, फिर 8 इंच रख सकते हो। ये डिपेंड होता है आपने किस हिसाब की वहां फिटिंग करवानी है। एक तो देखो एसएस की आपको मिल जाएगी, वो स्टैंडर्ड साइज आते हैं, ये स्टैंडर्ड साइज में आपको वो मार्केट से मिल जाएंगी। और पहले तो आपको डिसाइड करना होता है कि आपके घर में कौन कौन सी आनी चाहिए, प्लेट वाली, बोतल वाली, वो मैं अलग सी वीडियो लाऊंगा क्योंकि 10 वीडियो लानी है, सब कुछ उसमें बता दूंगा। तो आपको वो चूज करना है, तो ये आपको कौन भी करके चूज करके दे देगा, क्योंकि जो मार्बल का काम करते आते हैं, जो किचन बनवाते आते हैं, उनको भी आइडिया होता है, जो कारपेंटर आपका लगाने वाला कारपेंटर, उसको भी आइडिया होता है कि घर में प्लेट वाला चाहिए, यूटेंसिल मतलब सब सामान, चिमचे वाला प्लेट। तो ये इस साइज की हमारी पार्टीशंस होती हैं, ये अंदर अंदर इस साइज की हमारी पार्टीशंस होती हैं। और इसके अंदर फिर जब ये हमारा काउंटर बन जाता है तो इसमें फिर ऊपर जो ये हमने बताया ऐसे ऐसे लेंथ ऐसे, तो जो ये इसके अंदर आएंगी वो स्टैंडर्ड साइज रहता है, 4-6 प्लेन बास्केट आती है, पूरी कर्व आती है। तो इधर लगा लो, इधर 6 इंच वाली लगा दी हमने, नीचे 4 इंच वाली लगा दी और नीचे 8 इंच वाली लगा दी और जगह रख दी, यहाँ पे प्लेट उसमें आ जाएंगी। तो ये सब डिसाइड किया जाता है, इस पे अलग से वीडियो रहेगी, वो आपको सब समझाया जाएगा कि कैसे कैसे आपको चूज करना है। देखो ये जो मेजरमेंट होती है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर इनको स्टैंडर्ड साइज वे के हिसाब से नहीं रखा तो जो आपकी सेमी मॉड्यूलर किचन बनने जा रही है उसका कोई काम नहीं रहता। काफी दिक्कत आ जाती है जब फिटिंग की जाती है, जालियां जो एसएस की जाली रहती है वो प्रॉपर से फिट नहीं बैठती फिर, क्योंकि अगर मेजरमेंट नहीं अच्छी है तो जो क्योंकि वो बनी बनाई आती है, आप तो कुछ डिजाइन तो नहीं करवाने वाले, डिजाइन करवाने जाओगे खर्चा बढ़ेगा और बन के वो लेट आती है। तो आपने जो मार्केट में अवेलेबल है उसी हिसाब से डायमेंशन हर चीज की रखनी है, तो वो इजिली काम हो जाता है।